guys, welcome to the channel. Aur main hu aapka dost Syed. Today we are going to Sehwan Sharif, shrine of Lal Shahbaz Qalandar. आप तमाम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं उस जगह से. तो आज हमने छोटी सी कोशिश ये की है कि आपको कुछ चंद मिनट की वीडियो में ये लंबा सफ़र आपको बहुत अच्छे से कैप्चर करके दिखा सकें. और वी आर गोइंग फ्रॉम M9 टू N55, जो कि सीधा जा रहा है अपना दादू की तरफ. ये रोड सीधा जाएंगे तो ये शरीन ऑफ लाल शहबाज कलंदर आप पहुँच जाएंगे बहुत ही ईजीली. सीधा रोड है, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मंज़र है सुबह का. इट्स अराउंड 6 o'clock, मौसम बहुत ज़बरदस्त है और ख़ूबसूरत रोड पे बहुत ही ज़बरदस्त टर्निंग है. और क्या नज़ारा बताऊँ कि कैमरे में आप उतना ही देख सकते हो. एनी वे, हैव यू फाउंड गोल्डन डॉम. कुछ मज़ार हैं यहाँ पर जो कि बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लग रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ का विज़िट नहीं कर सकें क्योंकि हमें सेवन शरीफ पहुँचना था ऑन टाइम. वापसी में कुछ और ट्रैक भी कर रहे हैं, तो दैट इज़ द रीज़न कि हम ये जगह विज़िट नहीं कर पाए. और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं दूर से, ये आप सब देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र है. ये एडिटिंग नहीं है, ये रियल व्यू है. और बहुत मज़ा आ रहा है ट्रैवलिंग में. बाकी अपडेट्स में देता हूँ थोड़ी थोड़ी देर में. और ये ट्रैक्टर देख रहे हैं आप, फोटो सेशन चल रहा है और बाइक्स रेडी हैं. 7 के करीब हम काफ़ी मंज़र बहुत ही खूबसूरत है सुबह का और बहुत मज़ा आ रहा है ट्रैवलिंग करने में. बदल आप देख सकते हैं और बहुत जल्द अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे. फिर फोटो सेशन देख लें आप, सबका चल रहा है. सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये देखें, इतना हसीन मौसम है और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है. फाइनली रीच्ड सेवन शरीफ के मज़ार पे और मज़ार तक पहुंच गए हम. आज का प्लान था कि सेवन शरीफ के मज़ार जाएंगे और उसके बाद, तो फ़िलहाल सेवन शरीफ पहुंच गए. वापसी में इंशाल्लाह इस एक्सप्लोर नहीं यानी ज़ियारत करने के बाद जो है वो ज़ियारत करने के बाद हम इंशाल्लाह रानीकोट की तरफ मूव होंगे. बाकी ये सेवन शरीफ का मज़ार है. बाकी मैं इंशाल्लाह डिटेल आपको आगे फॉरवर्ड करता हूँ. मज़ार के अंदर का हिस्सा है तमाम, जो कि लास्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू बम ब्लास्ट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था. बहुत ज़बरदस्त रेनोवेट किया है, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत बनाया है इसको. तो जो लोग नहीं पहुंच पाते या नहीं जो यहाँ आ पाते, वो हमारी वीडियो में इस पूरे मंजर को बहुत ही आसानी से खूबसूरत व्यू को देख सकते हैं. फाइनली मज़ार विज़िट कर लिया, दरगाह की ज़ियारत भी कर ली है और अब जो है वापसी की तरफ हमारा सफ़र है. बस अब वापसी की तरफ सफ़र, ये दरगाह के वापसी का रास्ता है बस. और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सफ़र रहा बहुत, और बहुत अच्छे तरीके से सफ़र को हमने कंप्लीट किया और ज़ियारत भी हमारी बहुत अच्छी रही. सब चीज़ें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थी और अब हम वापसी की तरफ वो इधर रेडी, बस बाइक्स निकालनी और फिर उसके बाद अल्लाह हाफिज़. अब हम सेवन शरीफ से वापस जा रहे हैं कराची की तरफ. और ये जो मंज़र है
اتنا خوبصورت. زیادہ تر اس طرح کے مناظر آپ کو نارتھ پاکستان میں دکھنے کو ملتے ہیں، لیکن یہ سندھ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور اتنے خوبصورت مناظر ہیں، اور موسم نے جو ہے وہ آج ہمارے ٹریول کو چار چاند لگا دیے ہیں. اور یہ جو ٹریول ہم کر رہے ہیں، ہم کوشش کر دیں کہ جو لوگ اپنی قیمتی ٹائم یا اپنی قیمتی لائف کا جو بھی وقت ہے، کوشش کریں کہ جو لوگ اپنا نہیں وزٹ کر پاتے ہیں بہت ساری وجوہات کی بنا پر، وہ لوگ اس جگہ کو بہت ہی ایزیلی ہماری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کیپچر کر کے دکھائیں، اور صحیح اور غلط یا کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ تو ہمیں تبھی پتہ چلتا ہے جب آپ لوگوں کی قیمتی رائے کمنٹس کے تھرو ہمیں ملتی ہیں. تھینک یو سو مچ. سبسکرائب. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اپنی قیمتی رائے کمنٹس کے تھرو ضرور دیں تاکہ ہمیں ہماری محنت کا پتہ چل سکے. جزاک اللہ. شکریہ.